हेलो यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तनीषा। अगर आप नए हो इस चैनल पे देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेज़न के मस्ट हैव्स इन द फैशन सेक्शन। बेसिकली एक ब्यूटी सेक्शन का भी है, बट दैट्स जस्ट वन थिंग दैट आई रियली फील कि आपको लेना ही चाहिए। बहुत ही अच्छी चीजें मिलती है, आपको बस अच्छे से ढूंढने की जरूरत है। वो ढूंढने वाला प्रोसेस मैंने कर लिया है, तो मैं बस सजेशन देने वाली हूँ आज कि आप क्या क्या ले सकते हैं। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस हॉल। फॉर्मस दैट आई हैव इज दिस बैग। ये है लैवेंडर कलर का बैग, एंड इस बैग के बारे में मुझे इतने सारे लोग, आप लोग लिंक्स मांगते रहते हो हमेशा। लैवेंडर कलर का है, बेसिक सा बैगेट बैग है, एकदम मस्त ग्लॉसी टाइप का इसका आपको दिख जाएगा पूरा जो फिनिशिंग वगैरह, इट्स वेरी नाइस। एंड साइड में ना ऐसा चेन टाइप का ऐसा आता है, तो ये बहुत ही क्यूट लगता है एंड इट्स वेरी 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 नाइस एस्थेटिक। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंपार्टमेंट है और अंदर में एक छोटी सी जिप भी आपको मिल जाएगी। एंड दिस वन आई गॉट फॉर 599 रुपीज ऑन अमेजोन। एंड ऐसा एकदम सिमिलर पीस अमेजोन में एक और अवेलेबल है जो कि है लीनो पेरोस की। एंड लीनो पेरोस का आपको पता है कि ब्रांड, इट्स लाइक अ लीनो पेरोस इज लाइक अ वेरी वेरी नाइस ब्रांड। तो अगर आपको एकदम ब्रांड के लिए जाना था वो भी ले सकते हैं। अगर ये नहीं तो किसी और कलर में, लाइक व्हाइट कलर और ब्लैक कलर, ये सब तो बेसिक कलर है जो आपके पास होने चाहिए बैगेट बैग के स्टाइल में। लाइक ऐसे शोल्डर बैग्स का बहुत ज्यादा भी चला हुआ था। एक बार ना ब्यूटी सेक्शन वाला मैं आपको दिखा देती हूँ जो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया। तो मैंने एक्चुअली इसका एक शॉर्ट्स भी बनाया था। मैंने ये ब्रश सेट मंगवाया था स्विस ब्यूटी से, एंड ये है 6 ब्रशेस इसके अंदर आएंगे। मैं पूरे प्रॉपर ऐसे पैकेजिंग के साथ ही आता है, पहली बार तो बहुत मस्त लगता है। ये है ब्लश के लिए, ये है आपके फाउंडेशन एप्लीकेशन, ये है कंसीलर एप्लीकेशन, ये है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, एंड देन आईब्राउज के लिए भी है विद अ स्पूली ओवर हियर। ओ माय गॉड, ये इतना परफेक्ट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी, बट ओ माय गॉड, इसके ब्रिसल्स इतने ज्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके कि मैंने जब इसको यूज किया ना, आई वाज अ फैन ऑफ दिस वन। एंड एक्चुअली जब मैंने अमेज़न से खरीदा था तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ 596 रुपीज में मिला था। बहुत अच्छी सेल चल रही थी उस टाइम मैंने खरीदा था। अभी भी इसका यूजुअल प्राइस जो रहता है वो 600-700 के बीच में ही रहता है। यस, ऐसी टाइप की काओ प्रिंट टी शर्ट ना, ये एकदम ही यूनिसेक्स टाइप की है, ऐसी लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती है। तो एक वियर्डो करके एक ब्रांड है अमेजोन पे, एंड वहां पे इतने कूल टी शर्ट्स मिलते हैं, एनिमल प्रिंट के टी शर्ट्स और एकदम फ्लोरल प्रिंट्स, एंड बहुत ही कूल टाइप के ओवर साइज टी शर्ट्स मिलते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। मैंने एक्चुअली इसको ना स्मॉल साइज में मंगवा लिया, इसीलिए कि इतना ज्यादा ओवर साइज नहीं लग रहा, बट मीडियम साइज अगर मैंने लिया होता तो वो प्रॉपर बैगी ओवर साइज टी शर्ट की तरह आता और ये इतना स्मार्ट लगता। एंड ये सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज में मिला है यार, लाइक व्हाट एल्स डू यू नीड। ऑल्सो इसका ना पैक ऑफ टू भी अवेलेबल है, लाइक काउ प्रिंट प्लस जीब्रा प्रिंट। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहती हूँ आपको जीन्स के सेक्शन में, एंड देर इज दिस ब्रांड कॉल AKA शीक ऑन Amazon, जिसके जीन्स पर्टिकुलरली काफी अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले एक स्किनी जीन्स देख लेते हैं। आई नो स्किनी जीन्स का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं चल रहा है अभी, स्किनी जीन्स इज समथिंग दैट यू शुड इज लाइक अ मस्ट हैव सॉर्ट ऑफ अ थिंग। एकदम ही हाई वेस्टेड स्किनी जीन्स इन अ वेरी वेरी डार्क ब्लू कलर। एब्सोल्युटली इंजॉय एंड लव दिस कलर, जो मस्त वाला फिट है। यू हैव द बटन्स एंड जिप एंड पॉकेट ओवर हियर, यू हैव पॉकेट एट द बैक, एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल मटेरियल का, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल मटेरियल का तो नहीं है, बट ट्रस्ट मी इसका फिटिंग इतना अच्छा वाला फिटिंग आता है और एकदम ही हाई वेस्टेड है। यू जस्ट गोइंग टू लव इट, लाइक आपका पूरा फिगर बहुत अच्छा लगेगा। आई मीन स्किनी जीन्स में मैं इसको इतना ज्यादा यूज करती हूँ, आई एब्सोल्युटली अडोर दिस जीन्स। एंड इसको मैंने लिया था 28 वेस्ट साइज में, तो आप वो वाला वेस्ट साइज ले सकते हैं। आपको साइज चार्ट प्रॉपरली देखना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो अकॉर्डिंग टू माई साइज डेफिनेटली, क्योंकि हाई वेस्ट जब होती है ना तो उसका अलग ही मेजरमेंट पड़ता है। मेरा यूजुअली 26 जाता है, बट फिर भी 28 मंगवाने से मुझे प्रॉपरली हो गया। एक और जीन्स है जो कि है फिट इन फ्लेयर जीन्स। तो फिट इन फ्लेयर इज बेसिकली जो एकदम हाई वेस्टेड जीन्स होती है, एंड वो ऊपर की तरफ एकदम फिटेड रहती है, नीचे की तरफ एकदम फ्लेयर आ जाता है। वाइड लेग जीन्स टाइप का जो फ्लेयर होता है वैसा फ्लेयर है इसका। ये थोड़ा सा शेडेड टाइप की जीन्स है, एंड आई एब्सोल्युटली लव द लुक ऑफ दिस वन। लाइक ये थोड़ा सा डार्क ब्लू यहाँ पे जाता है और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा लाइट ब्लू का शेड है, एंड पीछे भी सेम टाइप की शेडिंग मिल जाएगी, पॉकेट्स मिल जाएंगे सामने एंड एवरीथिंग। एंड नीचे में एकदम ही वाइड लेग टाइप का स्टाइल है इसका, एंड प्रिटी गुड लेग। आई मीन ये है थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मटेरियल, बट बेसिकली इतना फ्लेयर्ड और वाइड लेग जीन्सेस में आपको बेसिकली स्ट्रेचेबिलिटी की इतनी जरूरत नहीं होती है, बट आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। यूजुअली जीन्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल, बट इसके साथ मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। मैं लिटरली इसको पहन के ना ट्रैवल कर सकती हूँ, अगर कोई रोड ट्रिप है या फिर कार में बैठे हैं घंटों घंटों भर। मेरा हाइट जो है वो है 5'5", सो अकॉर्डिंग टू दैट इट फिट्स मी एब्सोल्युटली लाइक अ एंकल लेंथ ऑफ द सिचुएशन। बट अगर आपको थोड़ा सा और लंबा चाहिए या फिर इफ यू आर टॉलर देन मी, देन मे बी आपको थोड़ा सा छोटा आएगा लेंथ में। आई हैव लास्ट टू टॉप्स दैट आई वांट टू शो यू, एंड बोथ ऑफ देम
them are like the basic tops that you should definitely have, like crew neck या फिर collars वाले हो गए, ये सब जो रहता है ना, तो आप कभी भी किसी के भी साथ उसको pair कर सकते हैं. That is the best part about it. So first of all, this is the white top जो कि है ये collar type का white top, एकदम polo type का आपको लगेगा. And इसका material सबसे पहले बहुत stretchy है और amazing material. This is the top which is from the brand called Generic, Generick. And ये same top ना Amazon में अलग अलग brands में भी available है, like वो Sidebomb में भी available है. Definitely it's a very very smart piece. I absolutely love this one. And ये ना crop है, पर इतना भी ज़्यादा crop नहीं है कि आपको uncomfortable लगेगा. ये literally आपको आराम से waist line तक cover दे ही देगा. तो अगर आप हाई वेस्ट जीन्स भी पहन रहे हैं तो बहुत अच्छे से कवर कर लेगा आपके पूरे टमी को. मैं न्यूड कलर की अंडरगार्मेंट्स पहनना, इफ यू आर वेयरिंग न्यूड अंडरगार्मेंट्स देन डेफिनेटली इट विल लुक वेरी प्रिटी. कुछ भी यू नो सीन थ्रू की कोई इशू नहीं है. एंड मैंने इसको लिया था सिर्फ और सिर्फ 268 रुपीज का, ऐसा कुछ तो आया था ये. एंड ये मैंने लिया है इन द साइज मीडियम, विच इज एब्सोल्युटली टू टू साइज. मीडियम मेरा यूजुअली टॉप का साइज रहता है, सो आई हैव गॉटन इन दैट. वैसे ही साइड बॉम से मैंने एक और टॉप मंगवाया है जो कि है एक बेसिक ब्लैक टैंक टॉप. सॉरी इट्स नॉट द टैंक टॉप, इट्स लाइक अ क्रू नेक टॉप. एंड इसका ना ऐसा क्रू नेक टाइप का इधर आता है. एंड इट्स लाइक शॉर्ट स्लीव्स एंड अच्छी सी इसकी लेंथ है. ये भी बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं है, बट एब्सोल्युटली अच्छी सी लेंथ है. समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या स्टाइल करूँ, कैसे लेयर करूँ, तो ये वाला टॉप मैं पहले बेसिकली अंदर डालती हूँ, उसके बाद जीन्स डालती हूँ, उसके ऊपर से कोई भी मस्त कूल सा जैकेट डाल लिया, कोई शर्ट डाल लिया, दैट्स इट. आई एम रियली गुड टू गो. अगेन ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 359 रुपीज का ये मुझे मिला था साइड बॉम से. एंड मैंने इसको मंगवाया है मीडियम साइज में, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू टू साइज. आई थिंक सो दैट इज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो. I hope you guys liked it, I hope you guys enjoyed it, and I'll see you until next time. Take care of yourself. Bye bye.